नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। खबर दोपहर में खबरों का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ के पास मंगलवार सुबह भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। ये हेलीकॉप्टर कठुआ में रणजीत सागर डैम की झील में क्रैश हुआ है। वहीं घटना के बाद बचाव कार्य किया जा रहा है और हालात को परखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 3 अगस्त की सुबह यानी कि आज सुबह करीब 10:20 पर भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर 254 आर्मी AVN ने मामू कैंट से उड़ान भरी थी और हेलीकॉप्टर डैम इलाके के पास कम ऊंचाई का राउंड दे रहा था, जिसके बाद वो डैम में क्रैश हो गया। हादसे के बाद NDRF की टीम की तैनाती कर दी गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। बता दें, कठुआ जिले के SSP RC कोतवाल के मुताबिक डाइवर्स की ओर से अब झील में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर में कितने लोग थे, पूरी तरह से क्या नुकसान हुआ है, अभी इसकी कोई भी जानकारी नहीं सामने आई है। तो कठुआ जिले की यह घटना है जम्मू कश्मीर के, जहां पर सेना का हेलीकॉप्टर सुबह करीब 10:20 पर क्रैश हो गया। और हालांकि हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार थे, कितना नुकसान हुआ, इन सभी चीजों की जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। और हालांकि बचाव और राहत का कार्य किया जा रहा है। बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ की एक घटना है जहां पर सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और सेना के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद से ही राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। झील में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हालांकि हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार थे, कितना नुकसान हुआ है, इस चीज की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। SSP ने बताया है कि उनके मुताबिक डाइवर्स की ओर से अब झील में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हेलीकॉप्टर में कितने लोग थे और पूरी तरह से क्या नुकसान हुआ है, अभी तक इस बात की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। CBSE बोर्ड के 10वीं के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म हो चुका है। दरअसल बोर्ड ने आज यानी कि आधिकारिक वेबसाइट पर 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। 10वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी cbserizults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही बता दें कि बोर्ड की ओर से रिजल्ट की घोषणा के साथ ही आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक एक्टिव कर दिया गया है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर के माध्यम से परिणाम चेक कर सकते हैं और इस साल बोर्ड 10वीं कक्षा के लिए मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं करेगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से बोर्ड ने इस साल 10वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। ऐसे में बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन पद्धति के जरिए तैयार किया है। जो विद्यार्थी बोर्ड के 10वीं कक्षा के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे, वो फिर से परीक्षा दे सकेंगे। साथ ही विद्यार्थी CBSE का 10वीं का रिजल्ट उमंग ऐप और डिजी लॉकर के जरिए भी देख सकते हैं। साथ ही जिन अभ्यर्थियों के फोन में ये ऐप नहीं है, वो प्ले स्टोर से इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो लाखों स्टूडेंट्स का लंबे समय से इंतजार अब खत्म हो गया है। CBSE ने 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। CBSE ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर ट्विटर पर वेबसाइट्स भी दी हैं, जिन पर जाकर स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट जारी कर सकेंगे। और साथ ही ये भी बताया गया है, ये जानकारी दी गई है कि जो स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे, वो फिर से परीक्षा दे सकते हैं। तो CBSE 10वीं का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। CBSE की तरफ से हालांकि ये जानकारी दी गई थी, कल कहा जा रहा था कि 10वीं का रिजल्ट कल घोषित किया जाएगा, लेकिन कल घोषित नहीं हुआ। उसके बाद जानकारी दी गई कि आज घोषित किया जाएगा 10वीं का रिजल्ट। तो ऐसे में 10वीं का रिजल्ट अब आ चुका है। लंबे समय से लाखों स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और ऐसे में अब ये उनका इंतजार खत्म हो गया है। cbserizults.nic.in पर जाकर स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही CBSE की तरफ से तमाम जानकारी दी गई है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वो फिर से परीक्षा दे सकता है। इसके लिए भी गाइडलाइन बताई गई है।
उत्तराखंड में हर तीन महीने में जिला पंचायत की मीटिंग आयोजित की जाती है, लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार रुद्रपुर में ये मीटिंग 6 महीने के बाद आयोजित की गई थी। लेकिन मीटिंग में काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब कोई अधिकारी नहीं पहुंचा तो जिला पंचायत सदस्यों का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और सत्ताधारी पार्टी के लोग अधिकारियों के खिलाफ कलेक्ट्रेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। वहीं जब 4 घंटे से ज्यादा धरना देने के बावजूद भी जब जिला अधिकारी अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकली तो आक्रोशित जिला पंचायत सदस्यों ने एक साथ बीजेपी से इस्तीफे देने की मांग कर दी और जिला पंचायत सदस्यों का कहना था कि जिले में जो प्रस्ताव आए हैं वो बोर्ड की सहमति से नहीं लिए गए हैं। साथ ही अधिकारी भी किसी बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जिसको लेकर सदस्यों ने बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना दिया है। वहीं मौके पर क्षेत्र विधायक राजकुमार ठुकराल और आला अधिकारी जिला पंचायत सदस्यों को मनाते और समझाते रहे, लेकिन जिला पंचायत के 35 मेंबर ने किसी की नहीं सुनी और लगभग 4 घंटे से ज्यादा कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर वो लोग बैठे रहे और नारेबाजी करते रहे। दरअसल आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर की धरना देना सख्त मना है और ऐसे में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों देखते रहे और नारेबाजी होती रही। जिला पंचायत सदस्यों का कहना है कि जिले में कई योजनाओं के लिए आने वाला पैसा गलत तरीके से आवंटित किया जा रहा है। देखिए, आज जिला पंचायत सदन की बैठक थी, 3 महीने बाद बैठक का आयोजन होता है, लेकिन ये कोविड की वजह से 6 महीने बाद बैठक हो रही थी। बैठक में सभी पूरे चाहे खटीमा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्यों, चाहे सितारगंज, चाहे नानामत्ता, चाहे गदरपुर, रुद्रपुर, वाजपुर, जसपुर, काशीपुर, सभी जगह के जिला पंचायत सदस्य इसमें मौजूद हैं। हमारी बैठकों में, जिला पंचायत की बैठकों में मैं भी एज ए पंचायती राज मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग करता हूँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण बैठकों में मैं देखता हूँ कि जो जनपद स्तरीय अधिकारी हैं उनका बैठक में होना अति आवश्यक होता है, लेकिन बहुत सारे अधिकारी जानबूझकर उस बैठक में प्रतिभाग नहीं करते हैं। जो सबसे बड़ा हमारे सदस्यों में रोष है। वहीं अलीगढ़ के थाना रोरावर में पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रह रहे 2 बांग्लादेशी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों युवक बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में घुसे थे और फर्जी दस्तावेजों के जरिए अवैध रूप से अलीगढ़ के रोरावर इलाके में पिछले कई सालों से रह रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों बांग्लादेशी आरोपियों के खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत ये कार्रवाई की है और पकड़े गए बांग्लादेशी युवकों ने पूछताछ के दौरान फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने वाले का नाम भी बता दिया है। जानकारी के अनुसार अलीगढ़ के SSP काला निधि नैथानी के द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना रोरावा पुलिस ने टीम ने सोमवार को गश्त के दौरान ऐलान मीट फैक्ट्री को जाने वाले रास्ते से मोहम्मद जमाल निवासी जीवन हॉली जिला कॉक्स बाजार बांग्लादेश और मोहम्मद हसन निवासी फासिया खाली थाना चौकरिया जिले बाजार में बांग्लादेश को बिना पासपोर्ट, फर्जी दस्तावेज और फर्जी आधार कार्ड बनवाकर अवैध तरीके से भारत में रहने पर गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए दोनों आरोपियों से गिरफ्तारी के दौरान पूछताछ में जानकारी मिली कि दोनों आरोपी बांग्लादेश में कोई काम न मिलने की वजह से करीब 8 साल पहले काम की तलाश में एक अज्ञात दलाल के जरिए बांग्लादेश भारत बॉर्डर से अवैध तरीके से भारत पहुँच गए थे, जहां से ट्रेन में बैठकर दोनों अलीगढ़ पहुंचे और जहां दोनों ने काम की तलाश शुरू कर दी, पर हर जगह आधार कार्ड या अन्य कागजात मांगे जाने की वजह से दोनों ने फर्जी दस्तावेज भी बनवा लिए। दोनों लोग अलीगढ़ में मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। साथ ही क्षेत्र अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने 2 बांग्लादेशी युवकों को गिरफ्तार किया है जो पिछले कई सालों से अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। साथ ही पुलिस द्वारा पकड़े गए बांग्लादेशी युवकों के पास से नकली आधार कार्ड और मोबाइल भी बरामद किया है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए दोनों बांग्लादेशी आरोपियों को अब जेल भेज दिया है। थाना क्षेत्र रोरावर के तहत 2 बांग्लादेशी युवकों को गिरफ्तार किया गया जो अवैध रूप से भारत में निवास कर रहे थे। उनके पास से नकली आधार कार्ड बरामद हुए हैं और उनके पास से मोबाइल भी बरामद हुए हैं। सम्यक विधि धाराओं में कार्रवाई की गई है। अभियोग पंजीकृत करके उनको जेल भेजा गया है। अग्रिम विधि कार्रवाई करवाई जा रही है।
हाथरस से एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां तमंचे के बल पर युवती से दुष्कर्म किया गया। पूरा मामला हाथरस के सादाबाद के बिसावा के एक गांव का है, जहां की रहने वाली एक युवती से गांव के ही युवक ने दुष्कर्म किया है, जिसकी शिकायत पीड़िता की मां ने कोतवाली में की। वहीं पीड़िता की मां ने गांव के ही युवकों पर तमंचे के बल पर उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बता दें, हाथरस का यह पूरा मामला है, जहां पर सदाबाद के बिसावर गांव का मामला है, जहां पर एक रहने वाली वहां की युवती पर गांव के ही युवकों ने दुष्कर्म किया, ये आरोप लगाया जा रहा है। और पीड़िता की मां ने इस पूरे मामले को लेकर कोतवाली में युवकों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है, और साथ ही तमंचे के बल पर उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप भी लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में अब मामला दर्ज कर लिया है और जाँच में जुट गई है। कल दोपहर में 11:30 बजे 3 लड़के आए थे मेरे पास घर में। मेरे उसके एक लड़के ने दिखाई कि उसका नाम प्रिंस है, उसके पापा का नाम राकेश है और दीपक और उसके पापा का नाम बलवीर है। उसे जबरदस्ती मुंह में कपड़ा को फेर दिया और सागर वो कट्टा लेके आया था मेरे पास और दोनों ने दाब लिया और मेरे साथ रेप कर दिया। कासगंज में दबंगों ने एक प्रेमी जोड़े को बीच रास्ते में पकड़कर युवक की पिटाई कर दी और युवती का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद वीडियो वायरल होने पर युवती ने खुदकुशी कर दी। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही SP रोहन प्रमोद बोत्रे ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए 5 पुलिस टीमों का गठन भी कर दिया है, जिससे जल्द से जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। वहीं कोतवाली सदर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बता दें, बीच रास्ते में दबंगों ने एक प्रेमी जोड़े को रोक लिया और उसके बाद युवक की जमकर पिटाई की और उसके बाद साथ ही युवती का वीडियो बना लिया। कासगंज का ये पूरा मामला है। हालांकि युवती का जब वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, उसके बाद युवती ने खुदकुशी कर ली और साथ ही बता दें कि वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वहीं SP का कहना है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए 5 पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है और जल्द से जल्द सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। साथ ही बता दें, कासगंज कोतवाली सदर क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर एक प्रेमी युगल जा रहा था और कुछ दबंगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया था। देखिए, कोतवाली नकाशगंज थाना क्षेत्र में गांव नगला नंदेल पड़ता है, वहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि ट्विटर के माध्यम से अभी मेरे संज्ञान में आया है। इस वीडियो के ऊपर कार्रवाई करते हुए जो महिला है उसके पिताजी से तहरीर हम लोगों ने ले ली है, प्राप्त कर ली है। उसमें लगभग 6 लोग नामजद हैं, पंजीकृत इनकी जो तहरीर है वो पंजीकृत की जा रही है। मेरे द्वारा टीमों का गठन करके 5 टीमें इसमें लगाई गई है और सभी लोगों के अरेस्टिंग के लिए प्रयास चल रहे हैं। देश के कई हिस्सों में इन दिनों मॉनसून सक्रिय है और बारिश का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में आज का दिन सुहाना रहेगा, वहीं जगह जगह हल्की बारिश भी देखी जाएगी। साथ ही अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। शुरुआत में हल्की बारिश के बाद तेज बारिश की संभावना भी जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं पुनः अनुमान के मुताबिक 6 अगस्त तक मध्यम बारिश हो सकती है और इससे पहले 3, 4 और 5 अगस्त को हल्की बारिश होने की बात भी कही जा रही है। वहीं तापमान की बात करें तो पिछला हफ्ता बारिश के साथ आरामदायक रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान में भी काफी गिरावट आई थी। वहीं पिछले सप्ताह दिल्ली में हुई बारिश के चलते कई समस्याएं भी हुई थी, लेकिन साथ ही लोगों ने अच्छे मौसम का आनंद भी लिया था। तो बता दें, भारत में इस समय तमाम राज्यों में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि कहा गया है कि आज भी दिल्ली का मौसम सुहाना रहने वाला है। 3, 4 और 5 अगस्त तक बारिश की पूरी संभावना कई राज्यों में जताई जा रही है।
भारत में मंगलवार को कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि पिछले 24 घंटों में देश भर में 422 मौतों के साथ कुल 30,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। ऐसे में भारत में लगातार 37 दिनों से 50,000 से कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं और सोमवार को भी 10,000 से ज्यादा मामलों में गिरावट देखी गई थी, जब भारत में कोविड-19 के 41,134 नए मामले सामने आए थे और 424 मौतें दर्ज की गई थी। बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान और महामारी के प्रति सरकार के निवारक दृष्टिकोण के साथ भारत में दैनिक नए मामलों और दैनिक मृत्यु दर दोनों में गिरावट जारी है। 422 और कोविड की मृत्यु के साथ भारत में एक महामारी से जान गंवाने वालों की कुल संख्या बताते 4,25,195 हो गई है। साथ ही भारत के सक्रिय मामलों में भी सोमवार से गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में सोमवार को ये मामले 4,13,718 हो गए थे, जिसमें से 8,760 की भारी कटौती दर्ज करते हुए भारत में अब सक्रिय कोविड मामले 4,04,998 हो गए हैं और रिकवरी दर भी वर्तमान में 97.38% हो गई है। हालांकि सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.28% है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे बनी हुई है और वर्तमान में 2.39% है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो भी लगातार 55 दिनों तक 5% से नीचे बनी हुई है और वर्तमान में 1.85% है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 38,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से छुट्टी भी मिल गई है, जिससे अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 3,00,000 से ज्यादा हो गई है और पिछले 55 दिनों में वायरस ने 1,00,000 से कम लोगों को संक्रमित किया है। आंकड़ों में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों में लोगों को कुल 61,00,000 से ज्यादा कोविड वैक्सीन दी गई है, जिससे अब तक कुल टीकाकरण की संख्या 47 करोड़ से ज्यादा हो गई है। साथ ही भारत ने सोमवार को एक और मील का पत्थर हासिल किया, जब ICMR के अध्ययन ने बताया कि कोवैक्सीन कोरोना वायरस के डेल्टा वेरियंट का मुकाबला करने में काफी प्रभावी साबित हुई है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कमजोर आय वर्ग के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की शुरुआत होने जा रही है। विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी ने इस बाबत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आरोग्य मेले ने कम समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इससे सभी पात्र लोगों को लाभ भी मिलेगा। जैसा कि साल 2020 में योगी सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि प्रदेश में प्रत्येक रविवार को सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत आरोग्य मेलों का आयोजन हो। हालांकि उस समय मात्र 6-7 आरोग्य मेले ही सम्पन्न हो पाए थे, जिसके माध्यम से 30,00,000 से ज्यादा लोगों ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त की थी। उसी दौरान वैश्विक महामारी कोरोना ने दस्तक दे दी, ऐसे में सरकार को ये कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा था। अब जब मुख्यमंत्री ने ट्रेस टेस्ट ट्रीट की प्रभावी नीति के नाते प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लगभग नियंत्रण में है, तो सरकार लोगों को रास्ते और बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए फिर से मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की शुरुआत कर रखी है। विभागीय अधिकारियों को इस बाबत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उम्मीद है कि कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ व्यापक जनहित में एक बार फिर से ये आयोजन जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं और एक बार फिर से इसकी शुरुआत की जा रखी है। हालांकि कोविड के चलते इस योजना को बंद कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब जब एक बार फिर से मामले में कमी देखी जा रही है तो एक बार फिर से आरोग्य मेलों का आयोजन शुरू हो रहा है। हालांकि उस समय मात्र 6-7 आरोग्य मेले ही संपन्न हो पाए थे, जिसके माध्यम से 30,00,000 से ज्यादा लोगों ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त की थी और उसी दौरान वैश्विक महामारी कोरोना ने दस्तक दे दी थी। ऐसे में सरकार को ये कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा था और अब जब एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने ट्रेस और टेस्ट ट्रीट की प्रभावी नीति के नाते कोरोना संक्रमण पर काबू पा लिया है, तो फिर से एक बार इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है।
उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते बढ़ाकर 10 अगस्त तक कर दिया गया है। इस बार भी कर्फ्यू के प्रतिबंध पिछले हफ्ते की तरह यथावत रहेंगे और सोमवार को मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने यह आदेश जारी किए हैं। फिलहाल 10 अगस्त की सुबह 6 बजे तक ये आदेश प्रभावी रहेंगे। सरकार ने रेल, हवाई और सड़क मार्ग से आने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनके पास 2 डोज वैक्सीन का 15 दिन पुराना प्रमाण पत्र है, उनके लिए बिना कोरोना जांच के उत्तराखंड में प्रवेश को बरकरार रखा है, जबकि 1 डोज वाले व्यक्तियों के लिए अभी भी 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर और टेस्ट की रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। इन सभी व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है। साथ ही सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के संचालन के लिए शिक्षा विभाग की जारी गाइडलाइन में भी कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक समारोह में बड़ी संख्या में मौजूदगी पर पहले की तरह ही प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश में ये नहीं बताया गया कि ये संख्या कितने तक सीमित होगी। वहीं पर्यटन स्थलों पर वीकेंड पर भी पहले की तरह जिलाधिकारियों को निर्णय लेने के अधिकार दिए गए हैं। साथ ही सरकार ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि कोविड गाइडलाइंस को सख्ती से पालन कराया जाए और साथ ही बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जाए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र की तिथियों की घोषणा हो गई है। जी हां, 17 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और सत्र में पहले सोमवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने कोरोना प्रभावित परिवारों से लेकर होम गार्ड्स के परिवार तक के लिए बड़े ऐलान किए हैं। बता दें, कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने फैसला किया है कि कोविड-19 महामारी में जिन परिवारों के बच्चे अनाथ हो गए, ऐसे में परिवारों को आर्थिक मदद राज्य सरकार देगी। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है कि होम गार्ड्स की ड्यूटी के दौरान मौत होने पर उनके परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है। साथ ही योगी सरकार प्रदेश में 312 ऐसे कानूनों को खत्म करेगी जो अब नहीं रह गए हैं। साथ ही कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव की संतुष्टि नहीं हुई है और योगी सरकार की कैबिनेट में ये तय हुआ है कि प्रदेश के हर अनाथ बच्चे या जिनके माता पिता में जो भी कमाने वाले लोग थे उनकी मौत हो गई है, उनको 2500 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बिहार में जगह बनाने के बाद अब उत्तर प्रदेश चुनाव में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने लखनऊ पहुंचकर सबसे पहले अपनी पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया। संतोष सुमन ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुनाव में संभावनाएं भी तलाशी हैं। बता दें, जीतन राम मांझी इस कोशिश में हैं कि एनडीए में रहने की वजह से अगर यूपी में गठबंधन जैसे हालात बनते हैं तो पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात में ऐसी कोई बात भी नहीं हुई है। इसके बावजूद पार्टी उन इलाकों में अपनी पहुंच बनाना चाहती है जहां दलितों की संख्या ज्यादा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।